आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णव सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित वर्ष 2024-25 की नई एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको मिली है उसके सवालों को हल करना सीखेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। यहाँ पर आपको देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, इनको आपको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है ताकि आपको अच्छी तरह से जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो हल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलें सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में हमको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अपने सरलतम रूप में नहीं है। अब देखिए हमको बताना है कि कौन सरलतम रूप में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 7/5 ये दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगे, मतलब ये सरलतम रूप में है। 15/20 देखिए इसको हम 5 की टेबल से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 3 15 और 5 4 20, मतलब ये सरलतम रूप में नहीं है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बी 15/20। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेना है। अब आप चाहे तो इनको भी चेक कर सकते हैं, 13/33 ये दोनों विभाजित नहीं होंगे, 27/28 ये भी विभाजित नहीं होंगे। तो हमारे ए सी और डी ये तीनों सरलतम रूप में हैं और जो बी वाले विकल्प में 15/20 दिया है यह सरलतम रूप में नहीं है। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2×1/5 को दर्शाती है। तो देखिए 2×2 के रूप में है, मतलब 2 आकृति होनी चाहिए। तो 2 आकृति किसमें है, इसमें है और इसमें है, मतलब ये दोनों में से कोई एक आकृति सही हो सकती है। फिर देखिए यहाँ पर दिया है 1/5, मतलब 5 का एक भाग छायांकित होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो 2 ही भाग हैं और 2 में से एक छायांकित है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 5 भाग हैं और 5 में से एक भाग छायांकित है, मतलब 1/5 को यह वृत्त प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सी वाला जो भाग है इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से छायांकित कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में स्थित है, ये हमको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण की मदद से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 एक संख्या हो गई, तो इसके जो आगे की संख्या होगी वो क्या होगी, छोटी होनी चाहिए इससे 4 से, और जो पीछे की संख्या है इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी। ये इस तरह से 5 ले लिए, तो देखिए जो हमारी 4 संख्या है वो क्या है, 3 और 5 के बीच में स्थित है। अब इसी प्रकार हमको इनमें भी देखना है, आगे की संख्या छोटी होनी चाहिए। तो देखिए 0.02 और यहाँ पर 0.2 है, तो ये क्या है, बड़ा है, इसलिए हमारा यह विकल्प क्या हो जाएगा, गलत। फिर यहाँ पर देखिए 0.02 तो ये ठीक है, 0.02 तो आगे की संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी, तो ये छोटी है। फिर देखिए जो पीछे की संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए, जिस तरह 5 था यहाँ पर, तो देखिए 0.023 है और यहाँ पर 0.0 के बाद यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 3 है, तो ये वाला युग्म हमारा क्या होगा, सही होगा।
क्योंकि ये जो संख्या है ये इससे छोटी है और ये वाली जो संख्या है इस संख्या से क्या है बड़ी है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा बी वाला उत्तर क्या होगा सही होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है बी वाले विकल्प को लिख लेना है। ये हमको 0.02 दिया है और दूसरा युग्म क्या दिया है 0.03। फिर इसके बाद साथ ही हमको बी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 2/3/1/6 का मान होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं 2/3 इस भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या क्या होगी 1/6 के स्थान पर ये हो जाएगी उलट के 6/1। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये कट गया। अब 2 का 2 के साथ गुणा होगा तो 4 हो गया और बटे में 1, और बटे 1 का कोई महत्व नहीं होता तो इसे हम छोड़ देंगे। तो उत्तर हमारा कितना बचा 4। अब देख लीजिए 4 हमको किस विकल्प में दिया है सी वाले विकल्प में हमको 4 दिया है। तो हमारा सी वाला विकल्प क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। साथ ही यहाँ पर हम सी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। तो देखिए 250 मीटर को हमको किलोमीटर में परिवर्तित करना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो हम इसमें क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे तो ये मीटर किस में परिवर्तित हो जाएगा किलोमीटर में। अब देखिए इसमें कितने शून्य हैं 1, 2, 3 शून्य हैं तो 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0, 5, 2, 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगेगा और ये शून्य, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 0.250। अब देखिए ये हमको किस विकल्प में दिया हुआ है तो ये हमको डी वाले विकल्प में दिया है तो हमारा डी वाला उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम 0.250 किलोमीटर लिख लेंगे। फिर इसके बाद साथ ही हमको क्या काम करना है जो यहाँ पर घेरे दिए हुए हैं इन घेरे को भरना है तो डी वाले घेरे को हम कुछ इस प्रकार से भर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे आपको कुछ इस तरह से सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा तो आपको सब्सक्राइब के बटन पर टच करना है। फिर आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है। वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं तो आप शेयर के ऑप्शन पर टच करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो भविष्य में आपको असुविधा नहीं होगी। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी और किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो चलें अब इसके बाद इसके अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, एक समकोण एक ऋजुकोण का कौन सा भाग होता है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो समकोण का मान कितना होता है 90 अंश होता है। फिर इसके बाद ऋजुकोण किसे कहते हैं ये भी आपको पता होगा, 180 अंश का जो कोण होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं ऋजुकोण कहते हैं। तो ऋजुकोण का मान हो गया 180 अंश। अब प्रश्न कह रहा है कि समकोण एक ऋजुकोण का कौन सा भाग होता है, तो हम क्या करें यहाँ पर इनका अनुपात निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सा भाग होता है। तो यहाँ पर ऊपर हमको समकोण लिखना है और नीचे हमको क्या लिख लेना है ऋजुकोण लिख लेना है। फिर इसके बाद इसको आगे और हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समकोण का मान 90 अंश होता है और ऋजुकोण का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए
शून्य से शून्य क्या होगा, कट जाएगा। 9 की टेबल से कट रहा है, 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, तो इस तरह से काट देंगे तो हमको उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/2। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, सुशांत एक घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है, वह 2 सही 1/2 घंटों में उसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा, ये हमको बताना है। तो चलें इस प्रश्न को हल करने के पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा गया भाग बराबर हमको कितना दिया है, 1/4 भाग। फिर इसके बाद देखिए, 2 सही 1/2 घंटों में उसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा, तो देखिए 1 घंटे में 1/4 भाग पढ़ लेता है, तो 2 सही 1/2 घंटे में पुस्तक कितना भाग पढ़ेगा, तो हम इसका क्या करेंगे, इसे 1/4 में गुणा कर देंगे। अब देखिए मिश्र भिन्न में है, तो इसे हम साधारण भिन्न में बना लेते हैं, फिर गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2। फिर इसके बाद ये कितना है, 1/4। फिर इसे और आगे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए भिन्नों का गुणा कैसे होता है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एक कम 5, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 2 सही 1/2 घंटे में पुस्तक का पढ़ा गया भाग कितना होगा, 5/8। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, 1 कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, इसे पूरा भरने के लिए अभी कितना भाग बाकी है, तो देखिए 1 कप का 1/3 भाग जो है भरा हुआ है, अब उसको पूरा भरने के लिए हमको कितना भाग खाली है ये बताना है। तो चलिए पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कप का भरा भाग बराबर, तो देखिए कप का भरा भाग कितना दिया है, 1/3, तो यहाँ पर हम 1/3 लिख लेंगे। अब देखिए पूरे कप में यदि 1 भाग पूरा पानी आता है तो 1 भाग में से 1/3 भाग भरा हुआ है, तो खाली भाग कितना है ये हमको बताना है। अभी हमको कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 1/3 को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके बटे कुछ नहीं, कितना होगा, 1 होगा, तो जब हम 1 का और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको लघुत्तम एलसीएम 3 प्राप्त होगा। अब देखिए ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 एक कम 3 और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, तो 1 का हम ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एक कम 1। फिर इसके बाद देखिए 3 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचा, 2 और बटे में कितना है, 3। तो इस तरह से कप का खाली भाग हमको कितना प्राप्त हो गया, 2/3 भाग जो है वो कप का खाली है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, 1 चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत क्रमशः 5.2 लीटर, 3.8 लीटर और 6.3 लीटर है, दूध की औसत खपत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको दूध की औसत खपत बताना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, औसत का सूत्र लिख लेते हैं, फिर इसे हल करते हैं। औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों के स्थान पर आप चाहें तो आंकड़े भी लिख सकते हैं, तो सूत्र क्या हो जाएगा, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखिए हमको प्रेक्षण कितने दिए हुए हैं, ये 3 प्रेक्षण या आंकड़े दिए हुए हैं, तो सभी प्रेक्षणों का योग मतलब हमको इन तीनों को जोड़ना है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 5.2 ÷ 3.8 ÷ 6.3, प्रेक्षणों की संख्या, तो इनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3 है, तो बटे में हम कितना लिखेंगे, 3। अब इसे और आगे हल कर लेते हैं।
अब देखिए हमको इन सभी को जोड़ना है, तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 है, 11 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हो गया 13, तो 13 का हो गया 3 और 1 हासिल। फिर इसके बाद 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 है और 1 हासिल है तो कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह से हमको 15.3 प्राप्त हो गया जोड़, और बटे में कितना है 3 है। अब 3 की टेबल से इसे हम काट देंगे, तो देखिए 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, फिर 0.3 एक कम 3, तो इस तरह से हमको उत्तर कितना प्राप्त हो गया 5.1 लीटर, और ये क्या आ गया हमारा उत्तर। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और दूध की औसत खपत निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.8 मीटर है और चौड़ाई 4.2 मीटर है, इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको लंबाई यहाँ पर 4.8 मीटर दिया है और चौड़ाई 4.2 मीटर दिया है, हमको फर्श का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिख लेते हैं और जो मान हमको दिया है उसे लिख लेते हैं। फर्श की लंबाई बराबर 4.8 मीटर, फर्श की चौड़ाई 4.2 मीटर हमको दिया है, और फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हमको इसमें मान रख देना है, तो लंबाई कितना दिया है हमको 4.8 मीटर दिया है और चौड़ाई कितना दिया है 4.2 मीटर दिया है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं 4.8 × 4.2। तो देखिए 2 8 16 की 6, हासिल का 1, 2 4 8 और 1 हासिल, तो ये आ गया। फिर 4 8 32 का 2, हासिल का कितना हो गया 3। फिर इसके बाद 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, तो 4 4 16 और 3 हासिल है, तो 16 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 19। अब इसके बाद इसे जोड़ लेते हैं, तो देखिए हो गया 6, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 का 1 और 1 हासिल। फिर इसके बाद 1 हासिल इसमें आ जाएगा, तो 9 और 1 10 का 0 और 1 हासिल, और ये 1 है तो ये 1 हासिल जुड़ के हो जाएगा 2। अब देखिए 0.1 अंक बाद 1 अंक बाद, तो 0.2 अंक बाद लगेगा 1 2 अंक बाद यहाँ पर। तो इस तरह से हमको गुणनफल कितना प्राप्त हो गया 20.16। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 20.16। अब देखिए क्षेत्रफल में क्या लिखा जाता है, वर्ग मीटर, तो इस प्रकार से हम वर्ग मीटर लिख लेंगे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर बराबर टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्या काम करना होगा, जो हमको दिया है पहले उसे लिख लेते हैं फिर उसे हल कर लेंगे। रस्सी की लंबाई बराबर हमको कितना दिया है उसको लिखेंगे 9 सही 3/4। अब देखिए मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो इसे हम साधारण भिन्न में बनाएंगे, तो 4 का गुणा करेंगे 9 में, तो 9 4 36 हो गया, 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो इस तरह से ये हमको कितना मिल गया 39/4 मीटर। ये हो गई रस्सी की लंबाई। फिर देखिए हमको टुकड़ों में बांटना है, जो टुकड़े की लंबाई क्या दिया है 3/4 मीटर, तो यहाँ पर हम टुकड़े की लंबाई लिख लेंगे 3/4 मीटर। फिर देखिए रस्सी के टुकड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, रस्सी की लंबाई
बटे टुकड़े की लंबाई। तो यहाँ पर हमको रस्सी की लंबाई कितना प्राप्त हो गई है, 39/4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 39/4। फिर देखिए टुकड़े की लंबाई कितना दिया है हमको, 3/4। तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले भिन्न में भी हर में चार है और नीचे वाले भिन्न में भी हर में चार है, तो चार चार क्या होगा, हर हर से कट जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको भी काट सकते हैं, अंश अंश से कटेगा। तो देखिए 3 × 3 और 3 × 9, तो ये भी कट गया। तो इस तरह से कटने के बाद हमको सिर्फ कितना बचा है, 13 है। तो इस तरह से हमको टुकड़ों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 13 टुकड़े हमको प्राप्त होंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, एक तोता और एक कबूतर जमीन से क्रमशः 20/1/8 मीटर और 20/1/2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। यदि 1 मीटर प्रति 2 सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं तो जमीन पर पहले कौन आएगा और उसके जमीन पर नीचे आने में लगने वाला समय ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहला काम जो प्रश्न में हमको दिया है उसे लिख लेते हैं, फिर इसे हम हल करेंगे। तोता की ऊंचाई बराबर, तो देखिए तोता की ऊंचाई हमको कितना दिया है, 20/1/8। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20/1/8। अब देखिए ये मिश्र भिन्न में है तो इसे हम साधारण भिन्न में बना लेंगे। 20 का गुणा 8 में करेंगे तो 20 × 8 = 160 हो जाएगा। 160 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 161/8। अभी हमको मीटर में दिया है तो यहाँ पर हम मीटर में लिख लेंगे। तो देखिए हमको कबूतर की ऊंचाई कितना दिया है, 20/1/2। तो कबूतर की ऊंचाई में हम लिख लेंगे 20/1/2। ये भी हमको मिश्र भिन्न में दिया है तो हम इसे साधारण भिन्न में बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनेगा, 20 × 2 = 40 और 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41। ये हो जाएगा 41/2। अब देखिए ये भी हमको किस में दिया है, मीटर में दिया है। अब यहाँ पर देखिए चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए हमको चाल क्या दिया है, 1 मीटर दूरी और समय 2 सेकंड। तो यहाँ पे दूरी में हम क्या लिख लेंगे, 1 मीटर दिया है हमको और समय कितना दिया है, 2 सेकंड। तो ये हो गया 2/2। तो इस तरह से ये चाल हमको प्राप्त हो गई। अब देखिए तोता को लगा समय बराबर दूरी 2/4, ये सूत्र हो गया। अब देखिए तोता कितनी दूरी तय करता है, यहाँ पर हम निकाले हैं तोता की ऊंचाई 161/8। यहाँ पर हम लिख लेंगे 161 और 2/8। फिर इसके बाद चाल का मान हम 1/2 निकाले हैं तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/2। फिर नीचे के भिन्न को ऊपर ले जाएंगे तो संख्या उलट जाएगी, ये हो जाएगा 161/8 गुणे 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1। अब देखिए इसे हम काट देते हैं तो सबसे पहले हम 2 × 2 = 2 और 2 × 4 = 8, ये कट गया। कटने के बाद हमारे पास कितना बचा उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो देखिए ऊपर से 161 बचा और नीचे से 4। अब इसे भी हम काट देते हैं तो देखिए 4 के टेबल से इसे हम काटते हैं, 4 × 16 ये हो गया। फिर 1 बचा, भाग नहीं जाएगा तो भाग न जाए, अलब्धे शून्य और दशमलव लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 × 2 = 8, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20। तो इस तरह से ये कट जाएगा। अब देखिए कटने के बाद हमको कितना प्राप्त हो गया, 40.25। अब जो ये हमको प्राप्त हुआ ये क्या है, समय है और समय हमको किस में दिया है, सेकंड में। मतलब तोता को जमीन पर आने में कितना समय लगता है, 40.25 सेकंड लगता है।
इसी प्रकार हम कबूतर को लगा समय भी निकाल लेंगे। तो देखिए कबूतर के द्वारा तय की गई दूरी हमारे द्वारा कितनी निकाली गई है, 41/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 41/2। अब इसके बाद चाल का मान हम कितना निकाले हैं, 1/2। तो यहाँ पर हम 1/2 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखें हर हर से ये 2 और ये 2 क्या होगा, कट जाएगा। बटे के 1 को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कितना प्राप्त होगा, सिर्फ 41। तो कबूतर को नीचे आने में कितना समय लगता है, 41 सेकेंड का समय लगता है। अब देखिए प्रश्न में ये पूछा गया है जमीन पर पहले कौन आएगा। तो देखिए जिसको कम समय लगेगा वही जमीन पर पहले आएगा। तो तोता को कितना समय लगता है, 40 सेकेंड, और कबूतर को कितना समय लगता है, 41 सेकेंड। इसलिए तोता जमीन पर पहले आएगा, अतः तोता जमीन पर पहले आएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न में हमको क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 13, अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए और बताइए। पहला, लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। दूसरा, लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। तीसरा, पहला और दूसरा में प्राप्त भिन्नों का योग 1 होगा, सत्यापित कीजिए। तो देखिए आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपकी कक्षा में जितने छात्र हों उनको ले लेना है, फिर इसके बाद जितने लड़के हों उनको ले लेना है, और जितनी लड़कियां होंगी उनको आपको ले लेना है, या फिर आप चाहें तो हमारे द्वारा लिए गए संख्या को भी आप अपने एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पर छात्रों की संख्या लिख लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कुल छात्रों की संख्या को हम 35 ले लेते हैं, और लड़कों की संख्या को हम 15 ले लेते हैं, और लड़कियों की संख्या को हम 20 ले लेते हैं। अब देखिए पहले भाग में हमको क्या निकालना है, लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। तो हम लड़कियों की संख्या का भाग निकाल लेते हैं। तो देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। फिर कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 35 है, तो यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे। अब देखिए ये कट रही हैं तो हम इसे काट सकते हैं, जैसे 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। तो इस तरह से हमको कटने के बाद कितना प्राप्त होगा, 4/7 प्राप्त हो गया, ये लड़कियों का भाग हो गया। अब इसी प्रकार हम लड़कों की संख्या का भाग निकाल लेते हैं। तो देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, 15 है, तो 15 लिख लेंगे। फिर कुल बच्चों की संख्या कितनी लिए हैं हम, 35, तो यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे। अब इसे काट देते हैं 5 की टेबल से, 5 तियाई 15 और 5 सत्ते 35। तो इस तरह से कटने के बाद हमको कितना प्राप्त हो गया, 3/7। तो ये क्या हो गया, लड़कों की संख्या का भाग हो गया। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब तीसरे प्रश्न में हमको क्या करना है, पहला और दूसरा में प्राप्त भिन्नों का योग। तो देखिए जो ये दोनों हमको प्राप्त हुए हैं भाग, इन दोनों का योग निकालना है, और योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी हमारा प्रश्न का उत्तर सही है। तो चले इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो लड़कियों का भाग कितना है, 4/7 है, और लड़कों का भाग कितना है, 3/7 है। अब हम क्या पा रहे हैं, यहाँ पर दोनों भिन्न में हर की संख्या समान है। अगर हर की संख्या समान है तो आपको लघुत्तम निकालने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ऊपर किसी संख्या का गुणा करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो गया। अब 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7, और बटे में कितना है, 7। अब देखिए इसे हम काट देते हैं, तो 7 1 कम 7 ये कट गया। तो कटने के बाद हमको कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। और यही प्रश्न में पूछा गया था,
पहला और दूसरा में प्राप्त भिन्नों का योग एक होगा, सत्यापित कीजिए। तो एक आ गया, मतलब यह सत्यापित हो गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शर्ट बनाने के लिए 1 सही 4/5 मीटर और 1 सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? उपयोग के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो देखिए, हमको शर्ट बनाने के लिए इतने कपड़े की आवश्यकता होती है। तो जो भी कपड़ा इस लंबाई का होगा या इससे ज़्यादा लंबाई का होगा, उसी कपड़े को हम चुनेंगे, तभी तो शर्ट बन पाएगी। और यदि हम इससे कम लंबाई के कपड़े को चुनाव करेंगे तो शर्ट बन ही नहीं पाएगी। तो हमको इसमें से देखना है कि कौन सा कपड़ा हमारे शर्ट के लिए उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर जो हमको दिया है उसे लिख लेते हैं, फिर हल करते हैं। पहले कपड़े की लंबाई बराबर, तो देखिए हमको पहले कपड़े की लंबाई कितना दिया हुआ है, 1 सही 4/5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 सही 4/5। अब देखिए, ये मिश्र भिन्न में दिया है तो इसे हम साधारण भिन्न में बनाएंगे। 5 एक कम 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। तो इस तरह से हमको 9/5 मिल गया। अब देखिए, 9 में हम 5 का भाग देंगे, तो इस तरह से आप भाग दे सकते हैं 9 में 5 का। देखिए, 5 एक कम 5, 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 लिख लेंगे। देखिए, 5 8 40 और 40 में 40 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमको कितना प्राप्त हो गया, 1.8 मीटर। तो ये हो गया हमारे पहले कपड़े की लंबाई। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे कपड़े की लंबाई को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरे कपड़े की लंबाई हमको कितना दिया है, 1 सही 2/5। तो इसको लिख लेते हैं 1 सही 2/5। अब ये भी हमको मिश्र भिन्न में दिया है तो साधारण भिन्न में बनाएंगे। 5 एक कम 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7/5 बराबर। अब देखिए, 7 में हमको क्या करना है, 5 का भाग देना है। तो 5 एक कम 5, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। दशमलव लगाएंगे और 0 ले लेंगे। तो 5 चौके 20, 20 में 20 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमको दूसरे कपड़े की लंबाई कितना प्राप्त हो गई, 1.4 मीटर। अब देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया था, सवाल को पढ़ते हैं फिर इसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों? ये बताइए, अगर हम 1.8 मीटर की लंबाई का कपड़ा चुनते हैं, हमको ज़रूरत 1.5 मीटर की है, तो कपड़ा बन जाएगा और कुछ शेष भी बच जाएगा। लेकिन यदि हम दूसरे कपड़े का चुनाव करते हैं तो ये 1.4 है और ये 1.5 है, तो कपड़ा क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले कपड़े का चुनाव करेंगे, क्योंकि इसका चुनाव करने से हमारी जो शर्ट है वो पूरी तरह से बन जाएगी और दूसरे कपड़े का चुनाव हम नहीं करेंगे। फिर प्रश्न में पूछा गया है, उपयोग के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा। अब जब हम पहले कपड़े का चुनाव कर लेंगे तो शर्ट बनने के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा ये हमको बताना है। तो हमारे पास कपड़ा कितना है, 1.8 मीटर। अब शर्ट कितने की बन जाएगी, 1.5 की। तो यहाँ पर हम 1.5 को घटा देंगे। अब देखिए, 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, फिर 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा। तो इस तरह से कितना कपड़ा शेष बचेगा, 0.3 मीटर। अतः हम पहले कपड़े को चुनेंगे, क्योंकि पहले कपड़े की लंबाई पर्याप्त है, जिस कारण शर्ट पूरी की पूरी बन जाएगी। तो इस तरह से हम पहले कपड़े का चुनाव करेंगे और शेष कपड़े की लंबाई हमारे पास 0.3 मीटर बच जाएगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 15 है। अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए कि, तो देखिए आपको क्या करना है, अपने माता पिता की आयु पूछ लेना है और फिर इसके बाद उनकी आयु को यहाँ पर लिखना है। फिर जो प्रश्न में पूछा गया है उसको हल करके आपको बताना है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिता की आयु को लिख लेते हैं। अब देखिए यदि हमारे द्वारा पिताजी से आयु पूछी गई तो पिताजी के द्वारा बताया गया कि उनकी आयु 42 वर्ष है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, अपनी माता जी का आयु पूछना है। यदि माता जी के द्वारा अपनी आयु बताई जाती है, मान लीजिए बताया गया 35 वर्ष, जो आयु बताई जाती है वही आयु आपको लिखना है, नहीं तो फिर आप इसी को भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी आयु, तो यहाँ पर आपको अपनी आयु भी लिखना है कि आपकी आयु कितना है। तो मान लीजिए कि हमारी आयु यहाँ पर कितने वर्ष है, 14 वर्ष है। तो पहला काम आपको ये कर लेना है कि अपने माता पिता की आयु और अपनी आयु को लिख लेना है। अब देखिए प्रश्न में सबसे पहला काम क्या पूछा गया है, आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है। दूसरा, आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के योग का कितना भाग है। तीसरा, यदि आपकी आयु और आपके माता एवं पिता की आयु के योग को एक वृत्त से प्रदर्शित करते हैं तो उस वृत्त में आपकी आयु वाला भाग छायांकित कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पहले वाले भाग को लिख लेते हैं, पिता की आयु का भाग। तो देखिए अपनी आयु का हमको पिता की आयु से भाग ज्ञात करना है। तो देखिए हमारी आयु कितनी है, 14 है, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। फिर पिता की आयु कितना है, 42 है, तो हम 42 लिख लेंगे। अब देखिए ये कट रहा है तो हम इसे काट देंगे। तो देखिए 14 एकम 14 और 14 3 42, ये हो गया। तो कटने के बाद हमको कितना प्राप्त हो गया, 1/3। फिर प्रश्न में देखिए दूसरे में क्या पूछा गया है, आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के योग का कितना भाग है। अब यहाँ पर हमको माता पिता की आयु का योग का भाग ज्ञात करना है। तो चलें यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब देखिए हमारी आयु कितनी हो गई, 14 वर्ष हो गई। अब हमको माता पिता की आयु का योग लिखना है। तो देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, ये हो गया। फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, इस तरह से। अब देखिए ये संख्या कट रही है तो हम काट देंगे। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब देखिए कटने के बाद हमको कितना प्राप्त हो गया, 2/11 है। तो इस तरह से प्रश्न का दूसरा भाग हल हो गया। अब प्रश्न के तीसरे भाग में हमको क्या बताना है, यदि आपकी आयु आपके माता एवं पिता की आयु के योग को एक वृत्त से प्रदर्शित करते हैं तो उस वृत्त में आपकी आयु वाला भाग छायांकित कीजिए। तो देखिए पहले हमको क्या करना है, इस वृत्त में 2/11 को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहला काम हम इसके 11 भाग कर लेंगे। मान लीजिए कि इस तरह से हमको भाग करना है, ये 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2, इसी प्रकार से हम इसके 11 भाग कर लेंगे। फिर इसके बाद हमको क्या काम करना है, इस 11 में से 2 भाग को हमको छायांकित करना है। तो देखिए 2 कोई भी भाग आप इसमें से छायांकित कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस वाले भाग को इस प्रकार से छायांकित कर लेते हैं, आपको भी इसी प्रकार से छायांकित कर देना है पेंसिल की मदद से। तो इस तरह से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों का हल देख चुके हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो में जितने भी प्रश्नों के हल आपको समझाए गए हैं उन सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे, भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो,
इसके लिए आपको क्या काम करना है, आप जहां पर वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा मोबाइल के स्क्रीन पर, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन पर टच करना है। फिर इसके बाद आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है। वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं तो आप शेयर के ऑप्शन पर टच करके व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वीडियो आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे समय पर आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको कक्षा 7 विषय गणित के किसी भी अध्याय की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पर जा करके प्लेलिस्ट के लिंक में टच करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।